शहर हैदराबाद हिंदुस्तान टाउनशिप के मैनेजिंग डायरेक्टर अहमद की जानिब से गोलकुंडा और टोली चौकी इलाके में अनाज के पैकेट्स तकसीम किए गए, जिसमें गोलकुंडा पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी के अलावा हैदराबादी मूवीज के एक्टर अली असगर भी मौजूद थे। गोलकुंडा इंस्पेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान टाउनशिप के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके भाइयों ने मिलकर अपने करीबी इलाकों के हर मजहब के गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज तकसीम करते आ रहे हैं। कंपनी के मालिक अहमद ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ये वक्त कमाने का नहीं बल्कि खर्च करने का है। कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। क्राइम कंट्रोल न्यूज अहमद के इस जज्बे को सलाम करता है। मोहम्मद अतीक के साथ मैं MS अली, क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। आज गोलकुंडा पुलिस एलिमेंट्स में गरीब लोग कौन कौन है, पूरा फैमिलीज को आइडेंटिफाई करें। अहमद उनका हिंदुस्तान टाउनशिप डायरेक्ट लिमिटेड का MD और उनका भाई लोग पूरे सब लोग मिलके गरीब लोगों कहाँ पर हैं, हिंदू मुस्लिम ऑल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर दिया है। उनके घर के पास लेके जाके फॉर द फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुए जब से ये लोग पूरा सब लोगों को सर्विस दे रहे हैं। आज भी कम से कम 4,000 से 5,000 तक पूरा फिक्स बनाए हैं ये रमज़ान के मौके पे और ये लॉकडाउन के सिलसिले में सबको ये रेशन बांट रहे हैं। ये रेशन में ऑलमोस्ट ऑल 15 दिन तक रेशन बस हो जाएगा एक फैमिली को। 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, ऐसा पूरा मिला के 25 किलो तक एक बैग में है। तो हम आपका मीडिया के जरिए बताना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में अननेसेसरी कोई भी बाहर नहीं आना। ऐसा डोनर्स और वेलविशर्स बहुत लोग हैं, आपके घर के पास आके शुरू करें, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अन्यथा उसको सब लोग यहाँ मिस यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि डोनर आगे बढ़ के आ रहे हैं तो उनको एक्सचेंज को तोड़ना नहीं आप लोग। ऐसा अभी लॉकडाउन हो तक भी हम मैं शुरू कर दूँ बोलते वादा दे रहे हैं अहमद एंड ब्रदर्स। तो हम पुलिस के गोलकुंडा तरफ से तो भाई लोगों को सब लोगों को बधाई दे रहे हैं। ऐसे मेंटेन करने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। रहमतुल्लाह वबरकता। पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो लोग परेशान हैं उनके लिए जो है मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई घर में रहिए। हम हैं, हमारे जैसे और लोग भी हैं हैदराबाद में जो आपके लिए मदद करने के लिए रेडी है। और ये सब जो है हमारे सदर साहब के हिदायत पे जो है हमारे DCP साहब और जो है हमारे सरकार साहब के पूरे सपोर्ट की तरफ से जो है हमारे को एवरी टाइम हम लोग वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग हर चीज़ के ऊपर। और आप बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह टोली चौकी के हद तक, क्योंकि हमारे को परमिशन नहीं है 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर जा सकते हैं जो हमारी टीम है। तो हम वहाँ तक जाके जो है जो भी बंदे हैं हम घर पर दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है जो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग जो बांटे हैं, मगर ज़्यादा हो जा रही पब्लिक जिसकी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो बेटर मैं आप लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि भाई आप घर पे रहिए, इंशाल्लाह हमसे जो बेस्ट हो सकता है हम करेंगे। और मैं स्पेशली रियल इस्टेट के जो बंदे हैं जो ऑलरेडी कई सालों से हैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये टाइम सिर्फ खर्चा करने का कमाने का नहीं है, ये टाइम सिर्फ खर्चा करने का कमाने का नहीं है। ये कमाने का टाइम पे फिर बहुत कमाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की इजाज़त देंगे तो अल्लाह ने इंशाल्लाह फिर नवाजेगा हमें, कोई टेंशन नहीं। मगर ये टाइम पे सिर्फ खर्चा करने का टाइम है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई सब आगे आइए। और ये सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब हमारे फैसल भाई की वजह से जो है ये सपोर्ट मिला हम लोग को। और आप लोग से भी मैं मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो जो बंदे हैं जो हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।